तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों को इजी तरीका बताऊंगा। जब आप कभी ये कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल खोलते हैं तो इसमें आपको ये एरर दिखाता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इनकम्पेटेबल डिवाइस दिखाता है। तो इसको आप कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं और अपने इस गेम को चला सकते हैं। ये अभी तक वर्ल्ड वाइड रिलीज नहीं हुआ, इसीलिए ये प्रॉब्लम करेगा। तो चलो मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा। तो ये देखिए दोस्तों, दिस डिवाइस डज नॉट मीट मिनिमम रिक्वायरमेंट, प्लीज चेक आवर वेबसाइट फॉर कंपेटेबल डिवाइसेस। दोस्तों अगर मैं आपको सच में बता दूं तो ये हर मोबाइल में चलेगा। ये अभी इसलिए ये दिखा रहा है क्योंकि ये हमको फॉरबिड कर रहा है गेम से कि हम इस गेम के साथ छेड़खानी ना करें। तो हम करेंगे, ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमें भी गेम खेलना है। तो चलो इसको ओके करके अभी मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगा। बिना वीपीएन के आप कैसे, बिना वीपीएन के कैसे काम करेगा? तो पहले आपको इंटरनेट ऑफ करना पड़ेगा। ये मैंने इंटरनेट ऑफ किया, उसके बाद मैं गेम को लगाऊंगा। तो ये दोस्तों मैं आपको बिना वीपीएन के पहले दिखाऊंगा, फिर उसके बाद वीपीएन वाला दिखाऊंगा कैसे आप वीपीएन में भी इसको चला सकते हैं। लेकिन ये वीपीएन में सिर्फ काम करेगा, बिना वीपीएन के ये काम नहीं करेगा। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो पहले नेट को ऑफ करके आपको इसको ऐसा करना चाहिए। तो अभी ये नेट से कनेक्टिंग नहीं करेगा डायरेक्टली, अभी उनके डेटा को चेक करेगा। देखिए अभी ये इनकम्पेटेबल नहीं लाएगा। देखिए अपडेट डाउनलोड फेल, प्लीज मेक श्योर यू हैव अ स्टेबल कनेक्शन। तो अभी हम इसको इंटरनेट देंगे। अभी देखिए ये मेरा इंटरनेट कनेक्ट हो गया है, तो मैं इसको रिट्राई करूंगा। तो देखिए दोस्तों ये अभी लोड कर रहा है, लेकिन ये कम्प्लीटली लोड नहीं होगा। इसके बाद ये खत्म हो जाएगा क्योंकि ये नेटवर्क का एरर शो करेगा। तो मैं आप लोगों को अभी वीपीएन बताऊंगा, तो आप उसको प्ले स्टोर से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मैं भी आप लोगों की तरह इस गेम का बड़ा फैन हूँ, लेकिन ये अभी तक हमारे मुल्क में भी रिलीज नहीं हुआ। तो मैं आप लोगों को इसका ये तरीका बताऊंगा। और जब ये प्ले स्टोर पर जाते हैं तो रजिस्टर का बटन दबाने को कहते हैं, लेकिन कभी देते नहीं। तो ये हमें ये दिखा रहा है कि नेटवर्क एरर, प्लीज चेक योर नेटवर्क स्टेटस। तो हमारे नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनके गेम सर्वर हमारे को ये कनेक्शन नहीं दे रहे क्योंकि हमारे मुल्क में मौजूद नहीं है। तो इसीलिए हम इसको ओके करेंगे। अभी ये फिर से इनकम्फर्टेबल मोड लाएगा, तो हम इसको ख़त्म करेंगे। इसको ख़त्म करके फिर हम ये पावर वीपीएन खोलेंगे। पावर वीपीएन खोलने के बाद आपको सिंपली इंडिया कनेक्ट करना है। यहाँ पर रीजन में आपको जाकर इंडिया सेलेक्ट करना है। ये इंडिया सेलेक्ट हो गया है, तो अभी हम इस पावर बटन को दबाएंगे और इसको लोड करेंगे। तो दोस्तों आप जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सिंपली अभी कनेक्ट हो रहा है। इसे ऑथेंटिकेशन मांग रहा है, या आईपी एड्रेस कनेक्ट कर रहा है, और ये कनेक्ट हो गया है। तो अभी हम गेम में जाएंगे डायरेक्टली। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको कनेक्ट करने के बाद आप डायरेक्टली नेट को ऑफ कर दीजिए। इसमें से ये वीपीएन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इंटरनेट खोलने के बाद वापस ये कनेक्ट खुद ब खुद हो जाएगा। तो उसके बाद डायरेक्टली गेम को खोलिए। अभी ये लोड कर रहा है। तो देखिए दोस्तों मैंने, अभी मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा कि ये देखिए दोस्तों मैंने नेट को ऑफ कर रखा है। तो आप देख सकते हैं मैं डेटा को ऑनलाइन ओनली ऑफलाइन चेक कराऊंगा इसे, ताकि इन लोगों को ये पता चल जाए कि हमारा फोन कंपेटेबल है या नहीं है। इसको मैं ये पता नहीं चलने दूंगा। अभी ये देखिए इन्होंने ये एरर लाए हैं, अभी मैं नेट खोलूंगा और इसको दूंगा। तो दोस्तों देखिए मैंने वाईफाई को कनेक्ट कर दिया है, अभी मैं इसको रिट्राई करूंगा। तो दोस्तों अभी ये लोड हो रहा है और ये डायरेक्टली गेम को प्ले करेगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आपको पावर वीपीएन को डाउनलोड करना चाहिए, फिर उसके बाद डेटा को ऑफ करके आपको गेम ऑफलाइन इसको चेक करना चाहिए। फिर उसके बाद जब आप गेम को खोलेंगे तो उसको कनेक्ट करेंगे। तो अभी देखिए मैं गेस्ट मोड में पहले लगाऊंगा क्योंकि मैंने उसको फेसबुक से कनेक्ट नहीं किया है। तो देखिए दोस्तों ये लॉगिन हो रहा है और अभी मैं लॉबी में जा रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने इसको थोड़ा सा खेला है, लेकिन मैं इसमें पूरी तरह माहिर नहीं हूँ। तो
तो मैं आप लोगों को सिंपली इसका ये लॉबी दिखाऊंगा और थोड़ा सा इसका सीन भी दिखाऊंगा कि कैसा गेम है, चलता कैसा है। तो दोस्तों आप चेक कर सकते हैं कि मैं अभी लॉबी में है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैंने खुद ट्राई किया है और मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि फुली वर्क करता है, 100% वर्क करता है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये आपके लिए कैसे वर्क करता है। मेरे लिए तो वर्क करेगा, ये कर दिया है। अभी मैं आपको इसका सिंपली ये मल्टीप्लेयर मोड है और दूसरा इसका ये बैटल रॉयल है, जैसे पबजी हम खेलते हैं, ये पबजी वाला मोड हो गया और इसका ये मल्टीप्लेयर मोड हो गया। तो मैं आपको सिंपली मल्टीप्लेयर में चला कर दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को पूरा भरोसा हो जाए। ये मेरे मोबाइल में लो में चलता है लेकिन फिर भी चलता है, तो आप चेक कर सकते हैं। अभी मैं गेम को लगा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा गेम प्ले दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को पूरा भरोसा हो जाए कि मैं ये फेक वीडियो नहीं बना रहा हूँ। दोस्तों मैं कभी फेक वीडियो नहीं बनाऊंगा, आप चेक कर सकते हैं। ये अभी लोड कर रहा है दोस्तों। इस वीडियो में मैंने कोई स्किपिंग नहीं की, कोई एडिटिंग नहीं की और इसको मैं डायरेक्टली अपलोड करूंगा ताकि आप लोग कोई भी सीन इसका मिस नहीं करें। तो ये आप चेक कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ आया हूँ, ये अभी मैच शुरू नहीं हुआ, एक प्लेयर के लिए वेट कर रहा है, फिर उसके बाद शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा लेग कर रहा है लेकिन फिर भी स्मूथली चल रहा है, पबजी से तो कम अज़ कम बेहतर ही चल रहा है। अभी ये देखो, ये अभी शुरू हो रहा है। गोरिल्ला स्क्वाड में मुझे जगह मिली, एक स्पेशल स्क्वाड है, एक गोरिल्ला स्क्वाड है, आप चेक कर सकते हैं। अभी मैच चल रहा है उसमें। हाँ ये दोस्तों ये ज़रूर प्रॉब्लम है कि इसका पिंग अच्छा नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी आप चेक कर सकते हैं। मैं थोड़ा आपको दिखाऊंगा कि सकने में ये तो ये देखिए ये मिनीज है और ये हमारे लिए को मार रहा है। हाँ मुझको मार दिया अभी। अभी यहाँ से मेन लोगों को ये देखिए दोस्तों, ये रेड, ये जो मैंने लगाया है ये मल्टीप्लेयर वाला है, इसमें वो दूसरा वाला मूव नहीं है। इसको मल्टीप्लेयर मोड कहते हैं और दूसरा जो आपको बैटल रॉयल जैसा पबजी की गेम है उसको देख सकते ना चाहते हैं, तो फिर आप वो दूसरा वाला ये देखिए को मार दिया। तो दोस्तों आप चेक करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपके लिए कैसा काम करता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।